फिल्म की शुरुआत में हमें एक फीमेल की वॉइस ओवर सुनाई देती है, जिसमें वो कह रही होती है कि अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है कि हर इंसान के अंदर दो भालू होते हैं, एक में सारी अच्छाई होती है तो दूसरे में सारी बुराइयां। अब हम एक लड़की डैनी को देखते हैं जो सो रही होती है, और तभी उसके पिता उसे जगाकर जल्दी यहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं। और जैसे ही डैनी बाहर आती है तो बाहर चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है, क्योंकि कोई अनजान फोर्स सभी चीजों को बर्बाद कर रही होती है। आप डैनी के पिता उसे एक पेड़ के पास बिठाकर बाकियों की मदद करने चले जाते हैं, पर अगले ही पल उनका शव डैनी के सामने आ गिरता है, जिससे वो एकदम दुखी हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते हुए वो खाई में गिरकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को किसी फैसिलिटी में पाती है जहाँ उसके दोनों हाथ बंधे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में असफल रहती है। फिर तभी वहाँ एक डॉक्टर नेम राइज आता है, जो डैनी से कहता है कि घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो, तुम्हारा गांव एक तूफान के चपेट में आ गया था जिसमें सभी मारे गए और बस तुम ही बची हो। वो फिर उससे एक शॉकिंग जानकारी भी शेयर करता है कि तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक म्यूटेंट हो और हम तुम जैसे बच्चों की ही तलाश करते हैं, ताकि म्यूटेंट बच्चों की शक्तियों के बारे में जान सके कि ये शक्तियाँ कितनी शक्तिशाली है जो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती। जो सब सुनकर डैनी एकदम हैरान हो जाती है। अब अगले दिन राइज डैनी को बाकी म्यूटेंट से मिलवाता है, जिनके पास अलग अलग शक्तियां होती है और सभी के पास उनके पास से जुड़ी कोई डरावनी याद भी होती है। सबसे पहली राइन जो एक भेड़िया बन सकती है, पर उसने अपनी 13 साल की आयु में एक फादर को मार दिया था क्योंकि वो राइन के भेड़िए बनने पर उसे चुड़ैल बोलने लगे थे। दूसरी आइलीना जो अपने एक हाथ को एक जादुई तलवार में बदल सकती है और साथ ही वो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है। उसके पास एक छोटा ड्रैगन पपेट भी है जो जीवित भी हो सकता है। इसके अलावा आइलीना को कुछ खास फेसलेस डरावने आदमियों से काफी डर लगता है, जिसके बाद एक लड़का सैम जो बिजली की रफ्तार से ज्यादा तेज भाग सकता है, पर एक बार जब वो कोयले के खदान में गया जहां उसके पिता भी काम करते थे तो उसकी शक्तियों के कारण वो खदान ढह गई, जिससे सभी की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वो काफी दुखी रहता है। और आखिर रॉबर्टो जो अपने आप को आग में बदल सकता है, और बेचारे की इसी शक्ति के कारण उसकी गर्लफ्रेंड जलकर मारी गई। अब राइज आइलेना को डैनी को पूरी फैसिलिटी घुमाने कहती है, जिस पर फिर वो उसे बाहर लेकर आती है जहां बाहर का मेन गेट बंद नहीं था। डैनी फिर सवाल करती है कि क्या ये हमेशा खुला रहता है, जिस पर आइलेना उसे हाँ में जवाब देती है। इसलिए फिर डैनी फैसिलिटी से बाहर भाग जाती है, पर थोड़ी दूर आते ही डैनी एक शील्ड से टकरा जाती है जिससे उसके नाक से खून बहने लगता है, जिसे देख आइलीना हंसने लगती है। वो फिर समझाती है कि ये एक जेल है जहां से कोई भी भाग नहीं सकता। वहीं ये सब चीज राइन भी भेड़िए बनकर देख रही होती है। अब वहां से डैनी क्लॉक टावर के ऊपर आकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है क्योंकि अब उसके परिवार में कोई भी नहीं बचा था, पर तभी वहां राइन आ जाती है जो उसे समझाती है कि हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, ना कि डर कर आत्महत्या करनी चाहिए। जिस पर फिर डैनी वहाँ से हट जाती है और अब उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वहाँ से नीचे आने के बाद उन्हें सैम दिखाई देता है जो अभ्यास कर रहा होता है, और वहीं रात होने पर जब सभी सो रहे होते हैं तो उनका बायोमेट्रिक स्कैन किया जाता है, और डैनी की स्कैनिंग से AI रोबोट जो स्कैनिंग का काम संभालता है उसे पता चलता है कि डैनी की सायोनिक एनर्जी बहुत बढ़ रही है, इसलिए वो ये सूचना तुरंत रीस को देता है। वहीं डैनी होते समय उस चीज को देख रही होती है जब उसके गांव पर हमला हुआ था। इधर सैम को एक वॉशिंग मशीन से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब वो आवाज का पीछा करता है तो वो सीधा खदान में जा गिरता है जो उसकी सबसे बुरी याद है। अब सैम को वहाँ उसके पिता भी दिखाई देते हैं, जिससे वो एकदम डर जाता है, पर तभी वॉशिंग मशीन में एक धमाका होता है जिससे वो दूर जा गिरता है। इसके बाद शाम को जब सभी बैठे होते हैं तो डैनी और आइलीना की बहस हो जाती है, जिस पर आइलीना अपनी तलवार से डैनी पर हमला करने ही वाली होती है कि वहाँ रीस आकर डैनी को बचा लेती है और सजा के तौर पर दोनों को अलग अलग आइसोलेटेड कमरे में बंद कर देती है। और अब जब डैनी सो रही होती है तो फिर से उसकी साइकोनिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, और वो फिर से सपने में किसी रहस्यमय जगह आ जाती है जहाँ उस पर एक खतरनाक भालू हमला करने ही वाला होता है कि रीस उसके कमरे में आ जाती है, जिससे डैनी सपने से बाहर आकर नॉर्मल हो जाती है।
है, जिसके बाद रीस डैनी का ब्लड सैंपल लेती है ताकि वो उस पर कुछ टेस्ट कर सके। अब रात को रीस के सो जाने के बाद सभी टेरेस पर आकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं और उनके पास एक लाई डिटेक्टर मशीन भी होती है। आइलीना फिर डैनी से उसके गले में लगे एक भालू के लॉकेट के बारे में सवाल करती है, जिस पर वो बताती है कि इसे मुझे मेरे पिता ने दिया था, जो कहते थे कि इंसान के अंदर एक अच्छा और एक बुरा भालू होता है। बुरा भालू जैसा इंसान बड़ा होता है वो भी बढ़ते रहता है, और ये लॉकेट मुझे हमेशा ये याद दिलाता है कि ये भालू कितना छोटा है, ताकि बुरा भालू कभी मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। फिर अगले दिन रीस सभी से कहती है कि यदि तुम्हें एक्समैन टीम में शामिल होना है तो तुम्हें मेरी बात अच्छे से माननी पड़ेगी, जिस पर सभी मान जाते हैं। और अब रात को आइलीना राइस के चाय में नींद की दवा मिलाकर उसे सुला देती है, जिसके बाद बाकी सभी पार्टी करने लगते हैं। और पार्टी के बाद रोबर्टो स्विमिंग पूल में आता है और तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो एकदम जली हुई थी, जिसे देख वो एकदम डर जाता है और डर के कारण वो आग में बदल जाता है। लेकिन सही समय पर रीस आकर उसे पानी में गिरा देती है, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। अब रोबर्टो रीस से कहता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा। वहीं आइलीना भी कहने लगती है कि तुमने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा है, मैं एक दिन यहाँ से निकल जाऊंगी। चीज पर फिर गुस्से में आकर रीस आइलीना को फिर से आइसोलेटेड कमरे में बंद कर देती है। अब अगले दिन रीस डैनी के सिर पर किसी तरह का डिवाइस लगाती है, जिससे वो उसे मॉनिटर कर सकेगी। रीस अब उससे सवाल करती है कि तुम्हारे गांव पर किसने हमला किया था और सभी कैसे मारे गए, जिस पर फिर से डैनी भालू वाले ख्यालों में खो जाती है, जिससे उसकी साइकोनिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। इधर आइलीना को दीवार पर एक फेसलेस आदमी जिसने मास्क लगाया होता है उसका स्केच दिखाई देता है, जिसे देख वो एकदम डर जाती है। दूसरी तरफ राइन को वही फादर दिखाई देता है जिसे उसने मार दिया था, और वो फादर उस पर हमला कर देता है, जिससे राइन चिल्लाने लगती है। और अब चिल्लाने की आवाज सुन रीस और डैनी उसके पास आते हैं, जहां रीन एकदम डरी हुई होती है। फिर तभी वहां आइलीना आकर डैनी से कहती है कि मुझे मालूम पड़ गया है कि तुम्हारी शक्ति कैसे काम करती है, तुम दरअसल अपनी शक्तियों के जरिए हमारे डर को दिखाकर हमें मार देना चाहती हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहकर वो अपनी तलवार से डैनी से लड़ने लगती है, लेकिन फिर रीस उसे इंजेक्शन लगाकर शांत कर देती है। अब अगले दिन डैनी की ब्लड रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा होता है कि डैनी की शक्ति बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे मारना होगा, जो देख रीस एकदम घबरा जाती है। वो अब सीधे डैनी के पास आती है और उसे फिर से किसी दूसरे टेस्ट के बहाने अपने साथ ले जाती है, ताकि उसे खत्म कर सके। पर रीन भी डैनी के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन रीस उसे वहां से जाने को कह देती है, जिस पर फिर रीन सभी से आकर कहती है कि रीस फिर से डैनी पर टेस्ट कर रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। वहीं अब रीस डैनी की ऑक्सीजन मास्क के अंदर एक जहरीली गैस छोड़ देती है, जिससे उसे सांस लेने में काफी तकलीफ होने लगती है, और उस तकलीफ के कारण वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगती है। वहीं इधर बाकी सभी को आइलीना के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब वो वहां जाकर देखते हैं तो वो कमरा आइलीना के बचपन में बदल गया था, जिससे आइलीना एकदम घबरा जाती है। तभी फिर वहां पे वो फेसलेस भी आ जाता है, जिसे देख सैम और आइलीना वहां से भागने लगते हैं, और रायन भी सीधे राइस के पास आकर उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है और डैनी को तुरंत बचा लेती है। अब वहीं वो फेसलेस रोबोट के पास आ जाता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों से उसे दूर फेंक देता है। तभी फिर आइलीना भी टेलीपोर्ट होकर वहां से गायब हो जाती है और कुछ समय बाद अपनी तलवार के साथ आती है और फिर सारे फेसलेस पर हमला करके उन्हें मार देती है। आप सभी डैनी के पास आते हैं और वो सबको बताती है कि रीस ने इसे मारने की कोशिश की, वो सही नहीं है, यहाँ हमें कैद करके रखा गया है, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पर इस पर फिर आइलीना कहती है कि हम यहाँ से तभी बाहर निकल सकते हैं जब रीस मरेगी, क्योंकि उसके मरने के बाद ही ट्रांसपेरेंट शील्ड बंद होगी। इसलिए अब सभी रीस को ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढते हुए कमरे में आ जाते हैं, जहाँ वो एकदम घायल अवस्था में होती है। वो सभी अब उससे कहते हैं कि तुम हम सबको मार देना चाहती हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिस पर फिर रीस उन सभी को एक शील्ड के अंदर बंद करके रिवील करती है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ, जो म्यूटेंट की शक्तियों को बढ़ाकर उनका हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। लेकिन डैनी की शक्ति कल्पना से परे है, वो सभी को उनके सबसे डरावने डर को दिखाकर उन्हें मार सकती है, इसलिए मैं सभी
सभी को जान ही दूंगी, लेकिन मुझे डैनी को मारना होगा क्योंकि वो सभी के लिए खतरनाक है। और ये कहकर फिर वो डैनी के शील्ड को छोटा करते जाती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। पर तभी वहाँ दीवार फाड़कर एक खतरनाक भालू आ जाता है और ये वही भालू होता है जिससे डैनी डरती है। पर वो भालू आकर रीस को खा जाता है और उसके मरते ही सभी की शील्ड भी टूट जाती है और वहीं डैनी भी अब बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो भालू सभी पर हमला करने लगता है, इसलिए आइलिना अपनी तलवार और पपेट जो अब जीवित हो गया होता है उसके साथ उस भालू से लड़ने लगती है, लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है और तभी उससे लड़ने सैम भी आ जाता है। पर भालू उसे भी धाराशाही कर देता है जिसके बाद रोबोटो आग में बदलकर उससे लड़ता है, लेकिन वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इधर डैनी बेहोश होकर किसी रहस्यमय जगह आ जाती है जहाँ कई सारे शव होते हैं जिसे देख वो एकदम डर जाती है, इसलिए फिर वो एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। पर तभी वहाँ उसके पिता आते हैं जो उससे कहते कि तुम्हें अब होश में आना होगा, तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारी जरूरत है। जिस पर वो जवाब देती है कि मैं भालू से लड़ नहीं सकती, वो बहुत शक्तिशाली है। पर इस पर वो उसे समझाते कि तुम इससे ज्यादा शक्तिशाली हो, जो सुनकर उसकी हिम्मत बढ़ जाती है जिसके बाद वो होश में आ जाती है और फिर वो उस भालू को आवाज लगाकर अपने पास बुलाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिसमें वो एक हद तक सफल भी रहती है और उसकी बात से भालू एकदम शांत भी हो जाता है। इसके बाद अब डैनी अपने लॉकेट को भी निकाल कर अपनी जेब में रख लेती है और उसकी ऐसा करते ही भालू गायब हो जाता है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में सभी फैसिलिटी के बाहर आ जाते हैं जहाँ सैम आकाश में एक पत्थर फेंकता है जो बिना शील्ड को छुए दूर चले जाता है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं कि अब बाहर कोई शील्ड नहीं है और अब सभी आजाद है। इसलिए फिर वो सब एक साथ फैसिलिटी के बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।